हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए टू रिव्यूज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी एक्ट्रेस और अपने जमाने की सुपरहिट अभिनेत्री नूतन के बारे में, नूतन के अपने फिल्मी करियर से लेकर आखिरी सफर तक की कहानी के बारे में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नूतन का जन्म शोभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर 4 जून 1936 को हुआ था। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थी। नूतन का पूरा नाम नूतन समर्थ बहल है। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे और माँ शोभना समर्थ अपने जमाने की फेमस अभिनेत्री थी। नूतन को अभिनय कला संस्कृति के संस्कार धरोहर हिंद में मिले थे, लिहाजा उनकी माता जी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब के विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म लैला मजनू में। नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर उभरने वाली भाव भंगिमाएं, उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, उनकी खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्मित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ और इसी साल उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की ये पहली अभिनेत्री थी। सन 1959 में निर्देशक विमल राय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी अदाकारी से इस फिल्म के अपने किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। नूतन ने अपनी अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को साकार करने में महारत रखती थी। फिल्म सुजाता के बाद सन 1963 में उनकी चर्चित फिल्म आई थी बंदिनी। बिमल दा ने इस फिल्म का विषय भी बड़ा ही हटकर चुना था। फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है कि ये फिल्म नारी प्रधान थी। नूतन ने इस फिल्म में भी अपने किरदार को बखूबी निभाया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1967 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रुमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन अदाकार देव आनंद। कुछ ऐसे ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने जमाने के स्टार शोमैन राज कपूर। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म छलिया में भी उन्होंने राज कपूर के साथ हीरोइन का रोल निभाया था। दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी और एक चर्चित फिल्म आई थी 1963 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने। साल 1960 में फिल्म आई थी छबीली। इस फिल्म में जितने गाने थे उन्होंने स्वयं ही गाए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माताजी शोभना समर्थ ने। 60 और 70 के दशक में उनकी कई फिल्में आई। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का गाना हिट था। जहां तक फिल्म फेयर के चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए, जो रिलीज हुई थी 1967 में। 1968 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में उनके खूबसूरत अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल। दोस्तों, अभिनेत्री नूतन ने 1986 में आई फिल्म कर्मा में काम किया, जो कि दिलीप कुमार के साथ था। 1985 में फिल्म मेरी जंग, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कुमार की माता का रोल किया था। दोस्तों, नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी की जलवा दिखाई है। 1994 में उनकी आखिरी फिल्म थी इंसानियत, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात रिलीज हुई थी। दोस्तों, भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराहते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। दोस्तों, बात करें उनकी निजी जिंदगी की, तो सन 1959 में नूतन ने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई। इनके बेटे का नाम मोहनीश बहल है, जो एक सफल अभिनेता है। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली अभिनेत्री नूतन ने 54 साल की छोटी सी उम्र में 21 फरवरी 1991 में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। दोस्तों, नूतन के आखिरी दिनों के बारे में बात करते हुए उनके बेटे
मोनिश बहल ने बताया था कि वो बेहद बहादुर और आध्यात्मिक थे। कैंसर जैसी बीमारी का उन्होंने बहादुरी से सामना किया। जब उन्हें कैंसर का पता चला तो वो मायूस नहीं हुई। उन्होंने कैंसर से पहली जंग जीत भी ली थी, लेकिन उसके बाद कैंसर ने उनके लीवर पर आक्रमण कर दिया। वो कहते हैं कि उन्होंने दोबारा जब डॉक्टर से जांच कराई तब तक वो काफी फैल चुका था और वो बच ना पाई। तो दोस्तों, आपको नूतन की एक्टिंग कैसी लगती थी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।